हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो बार्क की तरफ से निकल कर आ रही है। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, परमानेंट जॉब है, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं रखा गया है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। इसमें आप लोग को सैलरी 61,818 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से आ रही है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आ गया है 12 सितंबर 2022। इसमें आप लोग का जॉब लोकेशन मुंबई, हरियाणा और कोलकाता पे रहेगी। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आया है, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके डिप्लोमा पे मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। इसमें अगर आप लोग क्लास 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए एलिजिबल हो। उसके साथ साथ अगर आप लोग क्लास 12th या तो BSc करने के बाद 2 साल का डिप्लोमा किए हो तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोग को सैलरी लेवल 6 के हिसाब से यानी कि 35,400 से लेके 1,12,400 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को ग्रॉस सैलरी 61,818 पर मंथ मिल जाएगी। एज लिमिट यहीं पे 18 ईयर्स लेके 30 ईयर्स तक रहा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके क्वालिफिकेशन का जो मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें कोई भी एग्जामिनेशन नहीं रखा गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बेसिक पे के साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका डिटेल्स यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसीड्योर की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट इस नोटिफिकेशन पे मेंशन है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आ गया है 12 सितंबर 2022। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। एप्लीकेशन फी आप लोग को ऑनलाइन सबमिट करना है। और SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। इसमें जब आप लोग वॉक इंटरव्यू के लिए जाओगे तो उस टाइम आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और 1 सेट सिल्वर स्टेट फोटोकॉपीज आप लोग को साथ में लेके जाना है, जिसमें फर्स्ट आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट, उसके साथ आपका जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशंस का मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका ओरिजिनल और 1 सेट सिल्वर स्टेट फोटोकॉपी। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और 1 सेट सिल्वर स्टेट फोटोकॉपी। EWS कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और 1 सेट सिल्वर स्टेट फोटोकॉपी। PWD कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और 1 सेट सिल्वर स्टेट फोटोकॉपी। और उसके साथ आपका कोई भी गवर्नमेंट ID प्रूफ का ओरिजिनल और 1 सेट सिल्वर स्टेट फोटोकॉपी। और उसके साथ आपका इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है उसका कॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और 1 सेट सिल्वर स्टेट फोटोकॉपीज आप लोग को साथ में लेके वॉक इंटरव्यू के लिए जाना होगा। इसमें आप लोग का जो इंटरव्यू होगा वो मुंबई पे होगा। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोग को दिखाया था उसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट और ये है इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो आप लोग देख पा रहे हो। इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट आप लोग को साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट आपको आप ईमेल आईडी यहीं पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका डोमिसाइल स्टेट इसे चूज करना है। उसके बाद अगर आप लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन किए हो तो उस केस में आप लोग को यस ऑप्शन को चूज करना है। और चूज करने के बाद आपको आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप लोग को यहीं पे फिल करना है। और अगर आप लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो उस केस में आप लोग को यहीं से नो ऑप्शन को चूज करना होगा। उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद रजिस्टर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप लोग को लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए फर्स्ट आपको आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करना है। और उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल ओपन हो जाएगी और आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स ये है इसका आइटल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का आइटल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।